अगला बार फिर याद दिला दें, ध्यान से सुनते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन दिमाग में होगा वो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनते रहेंगे और लास्ट में हम, हालांकि हमको लगता है कि बोलते बोलते सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। तो अगला जो है हमारा जो बात कर रहे हैं उसको बोल रहे यूनिटरी, यूनिटरी वर्सेस फेडरल, फेडरल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो सरकार की तथा संघीय शासन अभी हम लोग लिखने का काम तो बिल्कुल रोके हुए हैं, हम लोग मेनली पढ़ाई कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं आपको। जब बात क्लियर हो जाएगा जाके लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ लीजिएगा या कोई भी पॉलिटी बुक पढ़ लीजिएगा, काम होगा। लिखाने का काम तो हम बाद में कर देंगे शॉर्ट में, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो पॉलिटी रखने का सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि वो पॉसिबल भी नहीं। तो शुरू करते हैं हम लोग कि एक देश बनाते हैं और ये देश बनाते हैं अमेरिका, वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि अमेरिका को एक आइडियल फेडरेशन मानते हैं। तो अमेरिका के साउथ में कौन सा कंट्री है? मैक्सिको है। तो अमेरिका में किसी समय में 13 प्रोविंसेस हुआ करते थे, 13 स्टेट्स, आज के दिन वहाँ पर 50 स्टेट है। तो देखिए दुनिया में हर जगह अलग है और हर जगह का कल्चर, लोकल फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स बहुत ही अलग अलग है, बहुत ही अलग अलग। झारखंड के लोग एक वैसे ही जाप लेते हैं, यहाँ के लोग हड़िया पीते हैं, ठीक है? तो बिहार के लोग ताड़ी पीते हैं, हाँ मतलब जो भी हो, मजबूरी नहीं भी हो तो ताड़ी चलता था, ठीक है? तो लोग जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। एक जगह अगर मान लीजिए कि झारखंड का शासन पटना से चलेगा तो पटना का मुख्यमंत्री हो सकता है और समझ ना पाए बात को और बोले कि हड़िया बंद, तो हड़िया बंद तो झारखंड वाले विद्रोह कर जाएंगे, वो बोलेंगे, बोलते भी हैं कि अगर बंद करना ही होगा तो हम खुद करेंगे, बाहर से तुम बंद होता है, एक होता है अक्सर ऐसा होता है, ठीक। फिर अगर झारखंड का कोई बन जाए मुख्यमंत्री तो बोलेगा ताड़ी बंद। बेहतर होगा कि लोकल कस्टम, लोकल परंपरा, लोकल लोगों के हाथ में छोड़ दें, ठीक। और भी हम रीजनल में से बात करना चाह रहे हैं, कहीं किसी एरिया में हो ही सकता है कि मेल एक से ज्यादा शादी करता, किसी जगह में मोनोगेमी हो सकता है, एक ही शादी, लोग दूसरे शादी को पसंद नहीं करते हैं, लोग एक केस में एक एरिया में अगर कोई मेल एक शादी करता है तो लोग हंसते हैं उसको देख करके, एक ही शादी किया है, गरीब है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। दूसरे एरिया में दो किया तो बोलेंगे कैरेक्टरलेस है। तो रीजनल फैक्टर्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर रीजनल, अगर हम अपना घर खुद चलाएं तो हमको बहुत खुशी होगी, अगर पड़ोसी में इंटरफेयर करें तो अच्छा नहीं होगा। एक सब तो ऐसे ही चाहते हैं, हर छोटा छोटा जो एरिया होता है वहाँ के लोग अपना कल्चर होता है, चाहते हैं कि हम उस कल्चर के हिसाब से चलें, लेकिन छोटे छोटे एरिया में अगर अपना गवर्नमेंट होगा तो इसमें एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि अगर सोचिए आप छोटे छोटे ग्रुप हैं वो अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ऐसा ड्राइंग बनेगा बता, ये छोटे छोटे ग्रुप है, ये लोग अपना 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 कल्चर है, डिस्टिंक्ट और उसी पड़ोसी जरूर है बट डिस्टिंक्ट कल्चर। और हुआ क्या है कि एक पड़ोस में एक बड़ा सा राज्य है जिसका अपना खुद का एक कल्चर है और ये लोग एक सरकार के अधीन है, तो कल को पूरा संभावना है कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर अटैक करते, फिर इनको प्रोटेक्ट करते, फिर इनके ऊपर और सबको कष्ट करते, सब सबके ऊपर जो है वो अपना शासन थोप देते, बड़ा वाला राज्य, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बड़ा मिलिट्री है,
और ये लोग इसको 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 दोनों शासन को करते हैं। ठीक, तो ये छोटा छोटा ग्रुप बहुत खुश था, जरूर बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि ये हड्डिया भी रहते, ये ताड़ी भी रहते, दो शादी कर रहे थे, एक शादी कर रहे थे, अपना अपना मर्जी से चल रहे थे, जो अच्छा लगता। खुशी तो बहुत था, लेकिन डर भी लगता था कि बगल में एक बहुत बड़ा समूह है होमोजेनस, और वो होमोजेनस जो हमको अटैक करता है। तो ये लोग बुद्धिमान अगर होंगे और उसे पड़ोसी है तो आपस में बातचीत करना शुरू करेंगे कि देखो खतरा बहुत बड़ा है, एक सिंगल मिलिट्री बनाते हैं, हमारा सेना जरूर है, छोटा सेरिया था, हम लोग सब मिला जुला करके एक बड़ा सा मिलिट्री बनाएंगे। तो हम लोग इसे लड़ पाए। तो एक होने का दबाव तो रहता ही, क्योंकि किसी खतरे से निपट सके। फिर अगर कॉमन कोई भी ग्रुप हो, रास्ता बनाना है तो रास्ता बनाना है तो सबसे कॉमन सा रास्ता बनाना है, तो चारों का समर्थन चल पड़ेगा। ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक देश बन जाएंगे, सोचते हैं ऐसा। ठीक है, हम फेडरलिज्म में समझाना चाह रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग एक देश बन जाते हैं क्योंकि हम बहुत ताकत होगा हमारे पास, लोग डरेंगे। तो सोचते हैं वाली कि ये लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, यहाँ से एक भेजे, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, और यहाँ से एक देश बनाने का बात। अगर इस एक देश को बनाया जाए तो एकदम क्लियर बात है। सोचिए घर है, अगर क्या हो रहा है, कौन आवाज कर रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर समझ मुझको नहीं आएगा। अगला क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछे थे सिग्नल सिस्टम का, तो दो दो फाइनली जो आंसर कर पाए, ध्यान यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर एक एक पर्सन को यहाँ निकाले और यहाँ ले आए, और ये लोग सोच रहे हैं कि हम एक देश बना लेंगे। सोचिए कि जब ये लोग एक देश बनाना चाहेंगे तो एक बोलेगा उसमें से कि सारा देश में एक शादी होगा। ठीक, वैसे ही दूसरा ग्रुप बोलेगा कि ऐसा देश में तो नहीं रहेंगे, मेरे यहाँ नहीं चलता। एक बोलेगा कि सारा देश में केवल हड़िया पिया जाएगा, ताड़ी बंद। तो दूसरा बोलेगा नहीं, ताड़ी चलाओ, हड़िया मत चलाओ, कानून एक हो। फाइनली इन लोगों का डिस्कशन हो जाएगा बर्बाद, अब देश बने होने का नहीं। तो ये लोग क्या डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, बोलेंगे क्या कि ऐसा करते हैं। अच्छा एक बात और, ये जब देश चल रहा था तो ये देश परंपरा से चल रहा, ठीक, घर हमारे चलता परंपरा से। लेकिन जब हम लोग फ्लैट में रहना शुरू करते हैं तो सोसाइटी आप लोग देखेंगे परंपरा से नहीं चल रहे। सोसाइटी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कैसे सेक्रेटरी बनेगा, कैसे प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि बिना लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, तो बहुत सारा इंडिविजुअल लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा हम चलते कैसे हैं। तो एक लिख के तो संविधान बनाना पड़ेगा, घर चलाने के लिए लिखित संविधान का जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर बहुत सारे ग्रुप ऐसे मिलते हैं फ्लैट बनाने के लिए तो लिखित संविधान का जरूरत है। तो फेडरलिज्म का एक गुण होगा और वो एक गुण होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म का पहला गुण बता रहे हैं कि यहाँ पर लिखित संविधान होगा, क्योंकि ये सब लोग मिलने वाले हैं, तो मिलने वाले तो अपना अपना शर्त रखेंगे। जब अपना अपना शर्त रखेंगे और सब मान लेंगे तो एक जगह उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, तो एक लिखित संविधान होगा। दूसरा बात क्या है कि क्यों मिल रहे हैं, सबसे बड़ा कारण कि बाहरी खतरा से निपट सके। ठीक, तो ये लोग डिसाइड करेंगे फाइनली कि बाहरी खतरा से अगर निपटना होगा तो हम एक देश जैसा बिहेव करेंगे। ठीक, यानी कि सेना के लिए एक ऐसा करो कि सेना के लिए एक अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा लोग बढ़ा रहे हैं, ये हमारा संविधान बना रहे हैं लोग, इसका संविधान बना रहे हैं, ये सारे के सारे यूनिट का, ठीक है, इसका संविधान बना रहे हैं। तो बोले एक सरकार होगी जो इस देश का प्रशासन करेगी, तो उस सरकार को हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब यहाँ पर बना रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूएसए में 50 अलग अलग राज्य, सबका अपना अपना राष्ट्रपति है, सोचिए आप, सबका अपना राष्ट्रपति है और सब अपना इंडिपेंडेंट है, आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, कभी कोई युद्ध भी करते हैं, लेकिन आज का दिन में खतरा महसूस हो रहा है किसी और बाहरी दुनिया से, ये लोग बोलते हैं हम एक देश बन जाएंगे, तो एक देश अगर बनेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, बनेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा कि वो मिलिट्री का प्रशासन, ठीक, क्योंकि मिलिट्री को लेकर के आप सोचिए ये लोग में आपस में मतभिन्नता कि अलग अलग दिमाग कि हमारा मिलिट्री नहीं होगा और मेरा होगा, ये नहीं हो सकता। रीजनल कल्चर हम बोले शादी करना, शराब पीना, किस भाषा में पढ़ाई करना, ये सब ले झगड़ लेंगे, लेकिन मिलिट्री पर झगड़ने के चांस कम है। तो बात होगा कि मिलिट्री जब बनेगी तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में रहेगी, हम सारा का सारा जब झगड़ पर अटैक होगा तो सब देश के लोग एक साथ लड़ेंगे, तो मिलिट्री जगह सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में रहेगी। दूसरा बात यह होगा कि अभी सोचिए कि इसका झगड़ा इस यहाँ मैक्सिको है, इसको कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ मैक्सिको है, अब सोचिए यहाँ पर मैक्सिको से इसका बहुत अच्छा दोस्ती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा दुश्मनी है, ये दोस्ती है और यह दुश्मनी है। अगर हम बोलेंगे पूरा का पूरा एक देश है, आप सोचिए, तो फिर ये नहीं बोल सकते कि अब हमारे देश में, सोचिए अगर ऐसा बोले नेपाल, उत्तर प्रदेश बोले कि नेपाल का बहुत अच्छा दोस्त है, और बिहार बोले कि नेपाल का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो फिर वो कैसे देश है कि हमारे विदेशी संबंध भी एक नहीं है, ठीक, तो दोस्ती दुश्मनी को हम लोगों को सेंटर में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन रिलेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन, क्योंकि रेल वगैरह चलेगा और रोड बनेगा तो पूरा राज्य से गुजरेगा, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर दिए, मिनिमम पावर दिए। दूसरी बात कि एक देश में सब कोई जानते हैं कि एक देश में मुद्रा करेंसी एक ही चलता है, ठीक, तो करेंसी एक चलता है तो क्या करेंगे कि करेंसी के लिए अथॉरिटी दे देंगे, मतलब हम जहाँ से बात शुरू किए थे कि छोटे छोटे देश मिल करके, यूनिट्स मिल करके एक देश का अगर निर्माण करना चाहते तो टॉप से जिस बात का प्रशासन होगा वो होगा मिलिट्री, वो होगा विदेशी संबंध, वो होगा कम्युनिकेशन और करेंसी, अपना अपना करेंसी सबको छोड़ना पड़ेगा, अपना अपना मिलिट्री को मर्ज कर देना पड़ेगा, अपना अपना विदेशी संबंध को छोड़ देना पड़ेगा, हम लोग कॉमन होगा, ठीक है, तो ये कॉमन ग्राउंड है। लेकिन याद कीजिए कि लिकर वाइन, जैसे वाइन का बात उठेगा, अगर सोचिए सोचिए आप यहाँ पर कि डेमोक्रेसी के बारे में सोच रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के बारे में सोच रहे हैं और इस राज्य के पास बड़ा पॉपुलेशन है, आप सोचिए बहुत पॉपुलेशन, इसका तो इतना पॉपुलेशन है कि इन तीनों को मिला के डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, जब सरकार चुनी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट चुन लिए, तो पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेटिव, इसको कलर चेंज करें, इनका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा भर जाएगा ज्यादा, और इनका रिप्रेजेंटेटिव सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, तो अभी सब सोच रहे हैं कि कैसे कैसे होगा, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा बहुत कम होगा। आप सोचिए अभी कानून, अभी क्या है ना, देश बना नहीं है, अभी संविधान सभा काम कर रही है, संविधान सभा में ही बात करते हैं लोग कि हमारा डेमोक्रेसी होगा, एक आदमी को एक वोट होगा और 10 लाख लोग मिल करके 1% चुनेंगे, तो 10-10 लाख में 1% चुने, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा था ये भर गया और छोटे वाले जो है वो कम रहे। अभी सोच रहे छोटे वाले राज्य, अभी बात ही कर रहे हैं, पूरे अगर ऐसा देश बनाएंगे, इतने सारे देश मिला करके एक देश बनाएंगे, तो इसमें तो जब इलेक्शन होगा तो इस वाला राज्य के बहुत होना चाहिए, और ये वाला ताड़ी वाला देश है, ठीक, और ये है हमारा वो हड़िया वाला, अब हड़िया वाला सोच रहा है कि जैसे देश बनेगा और ऐसे ही लगता है मेरा हड़िया गया, क्योंकि ये लोग तो ताड़ी वाले लोग हैं, ठीक। फिर क्या शादी वाला बात किए, एक और भी बात,
इस देश में फांसी का सजा होता है या नहीं होता? यहां से नहीं होता है। और इस देश में फांसी का सजा होता है, ये मिलकर एक देश बनाने वाले हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि ये वाले जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बोल ही सकता है कि सारा देश में फांसी का सजा होगा, कि फांसी का देश होने वाला, क्या बोलते इसको, नहीं होने वाला, फांसी का सजा नहीं होगा। और ये वाला देश जो बोलेगा नहीं, हमारे तो बहुत क्रिमिनल है, हम तो फांसी का सजा देंगे, तो ऐसा देश में तो रहना बड़ा मुश्किल है। तो अब रहने के लिए तो क्या, अब फिर डिस्कशन शुरू कर दी, कैसे समस्या सुलझाया जाए। तो समस्या सुलझाने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे ऐसा करना कि लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अभी एक मतलब कहते मैरिज, मैरिज क्या होता है, वाइन, वाइन, इसका समाधान कर रहे हैं कि जो लोग डर रहे थे उनको कैसे सांत्वना दिए। वो ऐसा करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मुद्दा को नहीं देखेगी, आपको फांसी की सजा देना दीजिए, इसको नहीं देना नहीं देगा, आपको गाड़ी पीना गाड़ी पीजिए, आप हड़िया पीना हड़िया पीजिए, ये सब स्टेट्स काम में डाल देंगे, किसको कौन कितना शादी करेगा ये सब। एग्जाम्पल होते अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्य में कुछ राज्यों के पास, 50 राज्य में कुछ राज्यों फांसी की सजा होता है और कुछ राज्यों में नहीं होता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यूएसए में फांसी की सजा होता है नहीं होता है, तो आप इसका आंसर सही से नहीं कर सकते। और किसी को ऐसा उलझाना हो कि ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका कुछ आंसर ही नहीं है, ठीक। दूसरा बात, सेम सेक्स मैरिज, मेल का मेल से मैरिज और फीमेल का फीमेल से मैरिज, ये अमेरिका में इसका कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है। आपसे अगर फ्रांस में पूछा जाएगा फ्रांस में क्या है, तो सेम सेक्स मैरिज अलाउड है फ्रांस में, लेकिन अमेरिका में क्या हाल है, अमेरिका में किसी को पता नहीं है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि इसको स्टेट्स को देकर रखे हुए हैं। फांसी की सजा क्यों कुछ राज्य में होता है और कुछ राज्य में नहीं होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वाला जो पार्ट है वो राज्य को देकर के रखे हुए हैं, तभी तो देश बन पाया। अगर ऐसा करते कि सेंटर से सब काम होगा, सेंटर से सब काम होगा, तो ये कभी मिलते ही नहीं। वैसा देश जिसमें सारा का सारा काम सेंटर से होता है, उसको बोलते यूनिटरी स्टेट, शासन की एकात्मक प्रणाली। वैसे देश जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ही काम करती है और बाकी सारा का सारा काम राज्यों को सौंप दिया जाता है खुद करने के लिए, वैसे देश को हम लोग बोलते हैं संघीय देश, ठीक है, यूनिटरी। दूसरा बात, यूनिटरी अगर कंट्री होगा तो संविधान का जरूरत नहीं है देखा जाए, क्योंकि सब तो सेंटर, सब पावर ही सेंटर के पास है। तो आप संविधान बनाइए या मत बनाइए, मतलब वहां पर आप ये नहीं बोल सकते, फीचर्स में बोल रहे हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट में संविधान हो भी सकता है नहीं हो सकता, ठीक। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संविधान होगा, कौन हमको बता सकते हैं इतना मेरा बात सुनने के बाद कि संविधान होगा, क्यों होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कौन कौन बताने हालत में, एक दो तीन, बस अभी है चार क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संविधान हो या नहीं हो, मतलब होना जरूरी नहीं, जबकि फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट में संविधान होगा ही, होना ही पड़ेगा, बिना संविधान के फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट नहीं चल सकता। ये एक दो सिर्फ नहीं, एसेंशियलिटी क्या है, एक्चुअली वो आप उस पॉइंट पे नहीं हिट कर पा रहे, एसेंशियलिटी क्या है। हाँ जी, बस इसमें पावर जो है ना, मतलब कि वो कौन है ना, ये फेडरल वाला ना, उसमें पावर सेंट्रल और स्टेट दोनों को दिया हुआ अलग अलग मिलता है, इसलिए जरूरत है। और उसमें पूरा का पूरा यूनिटरी में पूरा पावर जो है ना सेंट्रल के पास होता है, इसलिए नहीं। ठीक है, नीरज के आंसर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात तो ठीक बोल रहे हैं कि उसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, चूंकि पावर बटा हुआ है तो कहीं तो लिखना पड़ेगा कि क्या क्या पावर बटा हुआ है, ठीक। तो पावर चूंकि बटा हुआ है तो कहीं लिखना पड़ेगा, तो संविधान में लिखना पड़ेगा किसको क्या पावर है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट में संविधान होना पड़ेगा, ठीक। अगला बात यह है कि
कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सॉरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा ये दूसरा बात, दूसरा बात ये है कि कौन लोग बता सकते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मजबूत काम करेगी, कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत काम करेगी? मजबूती किसमें? यूनिटरी में ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि सारा का सारा काम तो सेंटर में होगा, किसी का में सारा का सारा पावर तो मुट्ठी में है, उंगलियों का पावर नहीं मिला हुआ है, कोई डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट का कोई चांस ही नहीं है, सारा का सारा एक तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगा ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरा कि किसमें जुडिशियरी का रोल, ये तो क्वेश्चन हमें कैंसर में किए नहीं है, किसमें जुडिशियरी का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिटरी में या फेडरल? बात ये है कि ये सारे के सारे मिले थे, आपस में लड़ेंगे भी, लड़ेंगे तो फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा यूनिटी में, ऐसा लड़ाई का चौक संभावना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पावर बटाई नहीं हुआ है। तो ये फेडरल फॉर्म जो गवर्नमेंट है उसमें एक और फीचर याद रखें कि आप लोग कि फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट में जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और हमारे देश में भी फेडरलिज्म है और जुडिशियरी का एक इंडिपेंडेंस को छीनने का जो कोशिश हुआ था NJSA से, एक कोशिश हुआ था, तो वो फेडरलिज्म में प्रहार हो जाता, ठीक ठीक है। तो हम लोग बात किए अभी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बना, इसलिए बना ताकि बहुत सारे प्रदेशों का जो रीजनल इंटरेस्ट है, प्रादेशिक स्वार्थ है, उसको सूचित करना जा सके, और साथ ही साथ छोटे छोटे जो रीजन्स है उनमें जो कमियां होती है, जो कमजोरियां होती है, उसको दूर किया जा सके। तो छोटे राज्य की कमजोरी क्या? वीकनेस, ठीक है, वीकनेस कैसा? कोई हमला कर देगा, अगर झारखंड अलग देश होगा, क्या सोचिए आप, बगल में ही एग्जांपल है भूटान, भूटान बहुत छोटा देश है, उसका सुरक्षा का जिम्मेवारी भारत के पास है, अपना सुरक्षा सोचता है कि हम कर लेंगे। नेपाल, उसको लगता है कि हम चाइना और इंडिया के साथ अगर दोनों को उलझा के रखें तो ही सुरक्षित रखेंगे, ठीक, लेकिन इंडिया अपना मिलिट्री प्रोवेस इतना बड़ा है कि वैसा फिर भी चैलेंज करते रहता है चाइना पाकिस्तान, अगर छोटा छोटा यूनिट होता तो छोटा छोटा यूनिट होता तो काम नहीं हो पाता, तो छोटे यूनिट्स वाले जो देश होते हैं वो कमजोर होते हैं, इसीलिए बड़ा यूनिट बनाते हैं, फेडरल यूनिट होते हैं। तो ये हो गया हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म दो तरह से आ सकता है, वो क्या होता है कि पहले इंडिपेंडेंट रीजन्स थे, वो मिल करके एक राष्ट्र में तब्दील हो गए, पॉइंट नंबर वन, मिल करके राष्ट्र में तब्दील हो गए और अपना कुछ पावर सेंटर को दे, पहले मिलिट्री को करते थे, सेंटर को दे दिए, फॉरेन सेक्शन खुद था, सेंटर को दे दिए, अपना कुछ पावर सेंटर को दिए। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले से एक देश हो और देश राज्यों को पावर दे, समझिएगा, यूनिट्स से पावर निकल निकल के सेंटर के पास आ रहा है, यूनिट से पावर निकल के सेंटर के पास आ रहा है, यूनिट्स पूरा पावरफुल थे, तो ये एक तरह का फेडरलिज्म, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फॉर फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर आ रहे, ठीक है, आ रहे। दूसरा बात कि एक देश बना हुआ बड़ा सा, सोचिए ऐसा होता इंडिया के बारे में बात कर रहे, वो USA है, USA में क्या था, ये सारे राज्य इंडिपेंडेंट थे, मिलजुल करके एक USA का निर्माण किया। दूसरा, इंडिया में तो अंग्रेजों का पूरा शासन था कंप्लीट, तो कंप्लीट में क्या किए लोग कि पावर जो था वो सेंटर के पास सब था और इस पावर को राज्यों को बांटे, तुम पावर लो, तुम पावर लो, मेरा पावर सब तुम लोग लो, कुछ पावर अपने पास रख लिए और पावर को बांट दिए, ठीक। तो ये जो होगा इसमें पावर ऊपर से नीचे जाता है, इंडिया में ऊपर से नीचे गया हुआ है, तो ऊपर से नीचे क्या हुआ, उसके संविधान बनाया गया है और संविधान में अलग अलग पावर दिया गया, तो
तो इंडिया का केस में क्या है, ऊपर से नीचे पावर आया हुआ है, इसीलिए फेडरलिज्म जो है वो कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि ये जब देश मिल रहे थे तो इनमें रीजनलिज्म का काफी काफी अंदर में मतलब काफी पावरफुल रीजनलिज्म था, हमारा देश अलग है, हमारा देश अलग है, हमारा देश अलग है। तो इनमें जो फेडरेशन है वो फेडरेशन में राज्य को बहुत पावर छोड़ दिया, क्योंकि फैस इंडिपेंडेंट हमारा फेडरेशन में क्या है, राज्य तो इंडिपेंडेंट थे नहीं। अभी क्या किया, आंध्र प्रदेश को बांट करके तेलंगाना बना दिया, कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि पहले से भी इंडिपेंडेंट देश नहीं था कि बोले कि मेरा देश को तोड़ दिया। ठीक, तो हमारे देश में जो है, हमारे देश में वीक फेडरेशन है जिसको क्वासी फेडरेशन बोलते हैं। ठीक, अब क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट के बारे में बात करें। लिस्ट क्या होगा कि जब भी फेडरेशन बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ लिस्ट होंगे, तो नंबर ऑफ लिस्ट एक लिस्ट तो जरूर होगा, इसको बोलेंगे यूनियन लिस्ट या फेडरल लिस्ट। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट पर कौन काम करता है, सेंट्रल काम करता है, सेंटर काम करता है, तो इसको मतलब फेडरल लिस्ट या यूनियन लिस्ट। ठीक, मतलब चूंकि सेंटर देता पावर है। किसी किसी संविधान ने क्या किया है, दो लिस्ट बनाए, उसमें राज्य को भी बोल दिए है कि तुम लोग कितना पावर है, सेकंड लिस्ट। अच्छा, अगर एक लिस्ट होता, एक ही लिस्ट होता, तो इस संविधान में राज्यों को कैसे पावर मिलता है, सेंटर को पावर देती है, तो राज्यों को कैसे पावर मिलता कौन तुम बता सकते हैं? किसी संविधान में एक ही लिस्ट है, ठीक, केवल एक लिस्ट, तो राज्यों को क्या क्या पावर है, ये कैसे डिसाइड होगा कौन तुम बता सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, संविधान में एक ही लिस्ट दिया होगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जो बच गए वो स्टेट, ये तीन के अलावा कुछ भी स्टेट को चला जाएगा तो एक लिस्ट से फेडरेशन बन सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि लिस्ट दो बना दी, सेंटर का लिस्ट और स्टेट का लिस्ट, दोनों का काम बांट दिए। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसा सोच सके कि कंप्लीट बात, हम तो दो चार बात सोच पाए यहाँ पर, एक शराब का सोच पाए, शादी का सोच पाए, मिलिट्री सोच पाए, फॉरन से सोच पाए, फॉरन सोच पाए, अभी जो नहीं सोच पाए टैक्स कौन लेगा, सेल्स टैक्स कौन लेगा, ये लेगा या ये लेगा, एक्साइज ड्यूटी उत्पादन कर ये देगा तो ये देगा, अभी तक वो सोचना बहुत कुछ बाकी है। जीएसटी कौन लेगा, एंट्री तो बढ़ता चला जाएगा ना, लेकिन ये हम सारा का सारा क्लास में सोचते रह जाए, उसके बाद जाके घर से आके वापस में याद आएगा बेचार तो वापस छुट्टी कर, ये असंभव है कि पूरा लिस्ट को क्रिएट कर दिया जाए। तब क्या होगा कि इसमें सोचिए कि ये जब बना ये सब चीज, तो इस समय में ये लोग नहीं लिखे कि साइबर क्राइम, या सोचिए कोई पेटीएम से पैसा चुरा लेगा मोबाइल वॉलेट से, तो उसको राज्य कानून बनाएगी कि सेंट्रल कानून बनाएगी, ये लिख नहीं पाए। ये क्राइम तो हुआ, तो क्राइम जब हुआ तो वो ऐसा बात पर हुआ जो यहाँ लिखा यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर एक बात बोलना पड़ता है कि कौन करे आखिरकार, जो चीज़ नहीं लिखा कौन करे। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट शक्ति, उसको बोलते हैं रेजिडुअल पावर, यानी कि जो दोनों लिस्ट में नहीं है वो रेजिडुअल। एक लिस्ट पर सेंटर कानून बनेगी, अगर फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं, करेंसी पर गांधी जी का फोटो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बात सेंटर डिसाइड करेगी या स्टेट डिसाइड करेगा? पुलिस में भर्ती होने के लिए कम से कम 40 साल का एज होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट या स्टेट करेगी? लॉ एंड ऑर्डर वाला बात। ठीक, और अभी जो बात बोले रेजिडुअल पावर, मान लेते हैं रेड, देखिए अच्छा जो फेडरेशन होता है उसमें ट्रू फेडरेशन होता है, उसमें रेजिडुअल पावर स्टेट्स को दिया जाता है। ठीक, रेजिडुअल पावर स्टेट को दिया जाता है, तो पेटीएम से मोबाइल से पैसा चोरी हो जाएगा तो 6 महीने का सजा होगा, ये कानून कौन बनाएगा?
स्टेट बनाए गए बोले ना कि ड्यूअल पावर अगर स्टेट को दे दिया गया है तो बच्चा कुचा तो उसके किस में जाएगा ना ठीक। तो किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है, किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दो लिस्ट है, और किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट दे रहे हैं तो ये लिस्ट बनाते हैं, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट भी देते हैं, एजुकेशन प्लान। ये लिस्ट क्या है तब इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। सेंटर बोलती है कि किसी के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं हो, और स्टेट कानून बनाती है अपने राज्य में कि किसी के पास 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होगा। तो दोनों तो कंफ्लिक्ट कर गया ना, यह कंफ्लिक्ट। तो अब संविधान में यह भी लिखना पड़ेगा कि अगर कंफ्लिक्ट होगा तो किसका चलेगा। एक ट्रू फेडरेशन में स्टेट का चलेगा, ट्रू फेडरेशन में। और फेडरेशन अगर अच्छा फेडरेशन नहीं है तो फिर सेंटर का चलेगा। हमारा देश अच्छा फेडरेशन नहीं है तो सेंटर का चलता है, ठीक है। जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें डिस्प्यूट। अगला बात कि अगर स्टेट गवर्नमेंट, ये जो हम लोग यहाँ दिखा रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट एक कानून बनाई कि 40 साल से ज़्यादा के लोग ही पुलिस में भर्ती हो पाएंगे, तो क्या ये कानून यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि महात्मा गांधी को हटा करके और वल्लभ भाई पटेल का ऑनरशिप हो गया, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट इनका सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो सबने का चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आए कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही कानून बना सकते हैं और किसी एक को प्राइमेसी होता है। फिर भी तीन तीन लिस्ट बनाने के बाद भी कुछ सब्जेक्ट बच जाते हैं। एक उसका होता है रेजिडुअल पावर। हमारे देश में रेजिडुअल पावर सेंटर को देकर रखे हैं, यानी जो नहीं लिखा है वो सेंटर कानून बनाएगी। तो अब बताइए कि पेटीएम का बात नहीं लिखा संविधान में, हमको पता है कि नहीं लिखा हुआ है, तो पेटीएम वाला कानून कौन बनाएगा हमारे देश का? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी, क्या वो सेंटर में चलेगा या राज्यों में भी चलेगा? राज्यों में भी चलेगा। तो फाइनल बता रहे हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक संविधान होता है, उस संविधान से सारे के सारे राज्य को पावर मिलता है, एक संविधान होता है, और उसी संविधान से केंद्र को भी पावर मिलता है। ध्यान से समझिए, फेडरल गवर्नमेंट में राज्यों को पावर संविधान से मिलता है और केंद्र को भी पावर संविधान से मिलता है, ठीक। और पावर को आप बंटवारा करने के लिए लिस्ट क्रिएट किए जाते हैं, चाहे एक लिस्ट या दो लिस्ट या तीन लिस्ट। पावर का बंटवारा होगा तो एक कॉन्सेप्ट रेजिडुअल पावर का भी रहेगा, अवशिष्ट शक्तियों का वो किसी न किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी को दे, ठीक। यूएसए का जो फेडरेशन है उस फेडरेशन में एक आइडियल फेडरेशन मानते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर राज्य बहुत मजबूत है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट। हमारा जो सिस्टम है उसमें राज्यों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं दिए हुए हैं। संविधान पावर जरूर दिया हुआ है लेकिन केंद्र जो होता है वो बड़ा हावी होता है, बड़ा स्ट्रांग है हमारा। तो हम जो अपना सिस्टम बनाए हैं वो कनाडा से लिए, कनाडा का सिस्टम। हमारा सिस्टम कनाडा का सिस्टम फेडरेशन है, और जो यूएसए का सिस्टम है उसको हम नहीं अपनाए हैं। तो ये फेडरेशन के बारे में हम सारा का सारा बात बोल दिए, किसी को कहीं पर डाउट नहीं।